चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए आए हुए हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का कुछ क्वेश्चन जो कि स्टोन मेजनरी से रिलेटेड है और ये आपका पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट टू। पार्ट वन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हाँ, ब्रिक का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ब्रिक का भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद पड़े तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मार्बल इज क्वेरीड बाय। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है वेगिंग। क्या क्या आंसर हो जाएगा? वेगिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर डिकेइंग द स्टोन। चलिए बताइए, इसमें जो दिया हुआ है मोस्ट डेंजरस फॉर डिकेइंग द स्टोन, कौन सा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है स्टोन को ख़राब करने के लिए? तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर है इनकोरेक्ट बेडिंग होगा तो डिके हो सकता है स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकोरेक्ट ज्वाइंट कंसीडर इन स्टोन मेजनरी। चलिए बताइए, इनकोरेक्ट ज्वाइंट कंसीडर इन स्टोन मेजरी में कंसीडर करते हैं वो इनकोरेक्ट ज्वाइंट। चलो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजनरी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मोर देन वन मटेरियल टू इम्प्रूव द अपियरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी इज कॉल्ड एज। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द मेजनरी कंस्ट्रक्शन यूजिंग मोर देन वन मटेरियल, एक से ज़्यादा मटेरियल यूज करते हैं टू इम्प्रूव द अपियरेंस, देखने के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे तो बोल दे रहा है कि मोर देन वन मटेरियल, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कंपोजिट मेजनरी। ठीक है, कंपोजिट में एक से ज़्यादा मटेरियल का यूज करते हैं जिससे अपियरेंस बढ़ जाता है और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपोजिट मेजनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ टेस्ट इज कंडक्ट ऑन ए सैंपल ऑफ स्टोन टू फाइंड आउट द फॉलोइंग पैरामीटर। स्मिथ टेस्ट किसके लिए करते हैं, कौन सा पैरामीटर निकालने के लिए? तो चलिए इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमसे इतना क्वेश्चन बना, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो कि मेरा इस टॉपिक स्टोन का अच्छा है और थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको TSPSC AE में 2015 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हार्डेस्ट रॉक कौन सा है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन है मार्बल, दूसरा डायमंड, तीसरा टॉक और चौथा क्वार्ट्ज। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डायमंड। ठीक है, डायमंड सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोन मेजरी ऑफ फाइनली ड्रेस्ड स्टोन लेड इन सीमेंट और लाइम मोटार। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द स्टोन मेजरी ऑफ फाइनली ड्रेस्ड, अच्छी तरह से ड्रेस किया हुआ है स्टोन लेड इन सीमेंट और लाइम मोटार इज, तो उसको कौन सा इमेजिनरी बोलते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया असलर मेजनरी। ठीक है, असलर मेजनरी सही हो जाएगा, इमेजिनरी। आइए, क्वेश्चन पूछा गया है MPSC 2012 में। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन मेजनरी इज ए मेजर इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन मेजरी कौन किसमें मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में या क्यूबिक मीटर में, मीटर में या किलोमीटर में? चलिए बताइए स्टोन मेजनरी कौन सा पैरामीटर में यूज मेजर करते हैं? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको ऐसा ही आंसर है क्यूबिक मीटर में। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है MPSC 2012 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्जाइट क्वार्ट्ज एंड फ्लेशवर पार्टिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो देखिए, पार्ट वन में इसका पूरा कंपोनेंट
दे चुके थे कि कौन सा रॉक का क्या क्या एग्जांपल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, पार्ट 1 में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है इग्नियस रॉक। ठीक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है और प्लूटोनिक है जो इग्नियस रॉक का ही है, बट प्लूटोनिक रॉक ग्रेनाइट एग्जाम्पल है प्लूटोनिक रॉक का। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक का याद रखिएगा, प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेसिंग ऑफ अ स्टोन इज डन, ड्रेसिंग ऑफ अ स्टोन इज डन, कब करते हैं ड्रेसिंग? इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग के बाद, या फिर आफ्टर सीजनिंग के बाद, आफ्टर 3 मंथ ऑफ क्वेरिंग, या जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन के पहले? तो चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, जब जब रॉक से स्टोन निकालते हैं तो उसके बाद ड्रेसिंग ही करते हैं। क्या करते हैं? ड्रेसिंग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपको देखिए NBCC 2017 में TSP PSC AE में पूछा गया क्वेश्चन 2015 में, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें भी थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री मिलता है कि जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप सेटिस्फाई हैं इससे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टोन इज फाउंड आउट बाय, किससे करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट, किससे करते हैं, कौन सा टेस्ट है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रशिंग टेस्ट, किससे करते हैं? क्रशिंग टेस्ट से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन NBCC में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे हम सभी एग्जाम में, जो भी एग्जाम में पूछा गया है वो सभी एग्जाम का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तो यहाँ सब देख सकते हैं कितना हल्का हल्का आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा है? द रॉक हैविंग एलुमिना और क्ले हैज देयर सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट आर नोन एज, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्जिलियस रॉक, क्या हो जाएगा? आर्जिलियस रॉक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉक कंटेन सेवरल मिनरल इज नोन एज, रॉक कंटेन सेवरल मिनरल इज नोन एज, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा पॉली मिनरेलिक रॉक। क्या बोल रहा है? रॉक कंटेन सेवरल मिनरल्स इज नोन, मतलब एक से ज़्यादा मिनरल है उसमें कंटेन है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉली मिनरेलिक रॉक। ठीक है, और एक क्वेश्चन हरियाणा JEE में पूछा गया 2018 में। ठीक है, हाल ही फिलहाल में पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ अ स्टोन, तो बताइए स्टोन के वियर के रेट को कौन सा टेस्ट डिटरमाइन करते हैं? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा आर्टिसन टोस्ट, किसे आर्टिसन टेस्ट से निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनियस इज केमिकली क्लासिफाइड एज, तो आपका इसमें सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर कौन सा? ये DMRC में पूछा गया है, हाल ही फिलहाल में DMRC का एग्जाम है, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए फिर रिपीट हो जाए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है मेटामॉर्फिक रोग। ठीक है, जीनियस रोग का एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इन ए न्यूली क्वेरिड फ्रेशली कट स्टोन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वेरी सेप। ठीक है, क्वेरी सेप इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टूल फॉर ड्रेसिंग स्टोन, ड्रेसिंग स्टोन के लिए मतलब साइज प्री यूनिफॉर्म देने के लिए कौन सा टूल्स का यूज नहीं करते हैं? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा क्रोच चिजेल, पॉइंट चिजेल का करते हैं। ठीक है, मेटल का करते हैं, फेस का करते हैं, लेकिन इसका क्रोच चिजेल का नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्रोच चिजेल। एक क्वेश्चन DMRC में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलन मेजनरी असलन स्टोन मेजनरी इज मेजर्ड इन, तो बताइए असलन स्टोन मेजनरी है वो किस में मेजर कर सकते हैं?
अभी पीछे सेम क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है क्यूबिक मीटर में, मतलब मीटर क्यूब में इसको मेजर करेंगे। ठीक है चलते हैं, और एक क्वेश्चन डीएमआरसी में 2018 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू मोज स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विथ द लीस्ट हार्डनेस इज, चलिए बताइए अकॉर्डिंग टू मोज स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विथ द लीस्ट हार्डनेस इज, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा टॉर्क। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट फॉल बिटवीन, तो आपको बताए थे स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.72 2.80। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड बिल्डिंग स्टोन फॉर बिल्डिंग शुड नॉट बी एब्जॉर्ब वाटर इन 24 आवर, देखिए पिछला वाला वीडियो में बता दिए थे कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर 15% से ज़्यादा हो गया तो वो स्टोन को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन इतना तक चल सकता है, 15% तक मिनिमम है, मैक्सिमम है। अगर 15% से ज़्यादा हो गया तो उसको वो स्टोन को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है रिजेक्ट कर देते हैं, याद रखिएगा 15% और 5% में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंटों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टोन सूटेबल फॉर रबर मेजनरी शुड बी, तो बताइए रबर मेजनरी के लिए स्टोन कैसा स्टोन सूटेबल होता है, होना चाहिए, तो चलिए इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोन मेजनरी एट ए हायर लेवल शुड बी कम्प्लीटेड विथ, बताइए द स्टोन मेजनरी एट ए हायर लेवल शुड बी कम्प्लीटेड विथ, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा डबल स्केफोल्डिंग। ठीक है डबल स्केफोल्डिंग के साथ होता है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आए क्वेश्चन पर RPSC SCF में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रूव सीमेंट पॉइंटिंग इज अप्लाइड ओवर द स्टोन मेजनरी, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या होता है उससे, देखिए द ग्रूव सीमेंट पॉइंटिंग इज अप्लाइड ओवर द स्टोन मेजनरी, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ मेजनरी। ठीक है मेजनरी की अपीयरेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेटराइट इज केमिकली क्लासिफाइड है, लेटराइट केमिकली क्लासिफाइड है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा आर्जेलिसियस रॉक। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मोस्ट फायर असिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है तो इसका आपका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है कंपैक्टेड सैंडस्टोन। ठीक कंपैक्टेड सैंडस्टोन सही आंसर है। आगे क्वेश्चन ये RRB JEE में पूछा गया है 2019 में। ठीक है और फिर से पूछ दिया RPSC में AE में 2011 में पूछा गया था। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज, तो बताइए जो ग्रेनाइट का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट है वो कितना होता है रेंज ऑफ, तो चलिए इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ग्लास। ठीक है ग्लास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइज इज केमिकली क्लासिफाइड है, एकदम सेम क्वेश्चन पीछे भी था, इसे आप देख सकते हैं और दो दो तीन तीन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है लेटराइज इज केमिकली क्लासिफाइड एज, लेटराइट कौन सा रॉक का एग्जाम्पल है, तो इसमें सही आंसर होगा आर्जेलिसियस रॉक। ठीक है आर्जेलिसियस रॉक का एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 72-130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है तो इसमें तो आपको बता दिए थे पार्ट वन में कुछ कुछ पॉइंट लिखाए थे, वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे लिखाए थे 100 MPa होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 MPa होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट इज है, ग्रेनाइट कौन सा रॉक का एग्जांपल है, देखिए फिर से आसान क्वेश्चन आ गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्नियस रॉक, ठीक। और एचपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोन हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। चलिए बताइए कौन सा स्टोन है जो कम वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन डीएमआरसी में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है स्लेट, क्या आंसर है सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा स्लेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन। तो अभी बताएं सेम क्वेश्चन, जो 100 MPa होना चाहिए, ठीक है, 100 MPa कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो इसमें देखिए इसमें लाइज करेगा 60 to 200 MPa, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट इज द टाइप ऑफ, स्लेट कौन सा रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है, स्लेट कौन सा रॉक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ऑप्शन क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, फिर तीसरा है पॉलिथिक रॉक या सेडिमेंट्री रॉक। तो स्लेट है जो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल स्लेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विलेज रेसिडेंट्स वांट टू कवर हिज रूफ, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन अवेलेबल टू हिम वुड बी रिकमेंडेड। तो रूफ को कवर करने के लिए जो विलेज में वो कौन सा यूज करता है, ठीक है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा स्लेट, ठीक है, स्लेट का ही यूज करते हैं रूफ में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इन ए सॉफ्ट रॉक, ठीक है, विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इन इज ए सॉफ्ट रॉक। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा टॉक, ठीक है, टॉक सॉफ्ट रॉक होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपका DDA JEE में 2018 में पूछा गया है। तो अब बताइए, ये था आपका स्टोन मेजोरिटी का क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सब स्टूडेंट से बना होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले कि हम जो दे रहे हैं स्टूडेंट को वो सेटिस्फाई स्टूडेंट हो रहा है कि नहीं, तो ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि सर यहाँ पे कुछ त्रुटि है, हम सुधारने की बहुत कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ठीक है।